हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर माइस ऑन द ट्रेन, जो कि एक प्ले है। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनको पढ़ करके हमें मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है। जैसे यू कैन बोरो ए बुक हेयर, कहाँ से बुक बोरो करते हैं? लाइब्रेरी से। यू कैन बाय ग्रोसरीज हेयर, ग्रोसरी कहाँ से बाय खरीदते हैं? सुपर मार्केट से। यू कैन बाय मेडिसिन हेयर, मेडिसिन कहाँ से खरीदते हैं? फार्मेसी से। यू कैन स्टडी हियर, दैट इज स्कूल। यू कैन प्ले हियर, दैट इज पार्क। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, एक फेमस प्ले है जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया है, और इस प्ले में गुरुदेव जी ने कुछ बच्चों की शैतानियों को एक्सपोज किया है कि वो एक बड़े व्यक्ति पर एक परेशान करते हैं, उनको एक ट्रिक करते हैं, जो बाद में उनके नए टीचर बन जाते हैं। तो आइए इस प्ले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें लड़कों का एक ग्रुप है जो कि जो सबसे बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, वो जैक्सन है उसका नाम, और एक बड़ा व्यक्ति है, मिडिल एज का मैन है, जो कि स्कूल कमेटी का सेक्रेटरी है, और दो वेंडर्स हैं। तो आइए सीन वन में क्या होता है। ये ट्रेन के अंदर का सीन है जिसमें एक लड़कों का ग्रुप बैठ करके बर्थ पर बैठे हुए हैं, और वो अपनी एक्साइटमेंट में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो नरेटर बोलता है कि स्कूल खुलने वाले हैं, और जो बच्चे हैं वो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपने अपने घरों से वापस स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो एक लड़का बोलता है कि दिस इज रिडिकुलस, मतलब बहुत ही सिली है कि एक नया संस्कृत का टीचर आ रहा है उनके यहाँ। दूसरा लड़का बोलता है कि सर्टेनली नॉट, कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक नए टीचर से नहीं पढ़ना है, उसको मना करता है। तीसरा लड़का बोलता है कि नए टीचर का नाम क्या होगा। फिर पहला बोलता है आई बिलीव इट्स रविशंकर नाथ, कि मैं मुझे लगता है कि रविशंकर नाथ होंगे। तो जैक्सन कहता है कि वी विल गिव हिम सच ए हार्ड टाइम, कि हम उन्हें इतना मुसीबत में डाल देंगे, इतनी परेशानी में डाल देंगे कि वो हमें पढ़ाने की सोचेंगे भी नहीं, हिम्मत ही नहीं करेंगे। तो लेट हिम शो अप, हम उन्हें दिखा देंगे। तो पहला लड़का बोलता है लुक द ट्रेन हैज कम टू ए हॉल्ट, कि देखो फिर क्या होता है, ट्रेन एक हॉल्ट पर, मतलब थोड़ा सा देर के लिए रुकती है। चौथा लड़का बोलता है व्हाट्स दिस प्लेस कॉल्ड, इस जगह को क्या बोलते हैं? तो जैक्सन पढ़ता है और बोलता है कि इट्स अर्कोला। तो एक बड़ा व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ता है उस जगह से, और वो उसके पास एक बेड रोल है, कुछ बंडल है, एक बड़ा सा ट्रंक है, और दो मिट्टी के बर्तन है। तो जैक्सन बहुत ही रूडली पूछता है कि तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि ये कोच भरा हुआ है, तो अगले कोच में जाओ। तो बड़ा व्यक्ति बोलता है कि ऑल द कोचेज आर फुल, सब भरे हुए हैं, मुझे कहीं पर खड़े होने की भी जगह नहीं है, तो मैं कॉर्नर में बैठ जाऊंगा और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो बड़ा व्यक्ति क्या करता है, अपने बेडिंग को फ्लोर पर खोलता है और उसमें आराम से बैठ जाता है। तो बड़ा व्यक्ति कहता है वेयर आर यू बॉयज गोइंग, तुम लड़के कहाँ जा रहे हो? तो जैक्सन बोलता है हम वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट समबडी, हम किसी चीज को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो कहता है हु इज दैट, वो कौन है? तो जैक्सन कहते हैं कालो कुमरो टटका लंका। तो लड़के आपस में सब बोलते हैं सारे मिलकर के, उसका बड़ा व्यक्ति कहता है बंगाली में इसका मतलब है कि ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली। तो जैक्सन बोलता है कि मुझे पता है। तो लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं, और वाइल द मैन बिगिंस टू रीड ए न्यूज़पेपर। तो चौथा लड़का बोलता है द ट्रेन हैज कम टू ए हॉल्ट अगेन, तो फिर से ट्रेन जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अब एल्डर व्यक्ति जो होता है वो कहते वो आर्सन सोल पहुंच चुके होते हैं, वो खड़ा होता है और कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, आई नीड टू हैव ए वॉश। तो जो एल्डर मैन है वो वहां से बाहर निकलता है, तो लड़के उसका मिट्टी के जो बर्तन है उन्हें देखने लग जाते हैं, और जो उसके बड़े व्यक्ति का सामान रहता है वो सब देखने लगते हैं। वो खुशी खुशी उसका खाना खोल लेते हैं और मजाक करते हैं, हंसते हैं। फिर जैक्सन कहता है वेट टिल ही सीज दिस हिज पॉट प्लंडर्ड, जब तक वो आदमी देखेगा उसके पॉट जो है वो गायब कर देते हैं। तो फिर वो बड़ा व्यक्ति फिर से वो उस कोच में घुसता है। तो पहला व्यक्ति बोलता है गेट ऑफ दिस कोच, देयर आर माइस ऑल ओवर दिस प्लेस, कि इस कोच से उतर जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। तो एल्डरली व्यक्ति सरप्राइजली बोलता है चूहे, वेयर आर द माइस, कहाँ पर है चूहे? तो जैक्सन कहता है अपने बर्तन देखो, उन्होंने व्हाइल यू वर अवे, जब तुम दूर थे तो वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं मिस्टर दोज हॉरिबल माइस हैव रन अवे विद मोस्ट ऑफ योर फूड, कि वो सब आपके खाना लेकर भाग गए हैं, ज्यादातर खाना खत्म कर चुके हैं। तो वो एल्डर व्यक्ति फिर से उस अपने बर्तनों में देखता है, दूसरा लड़का बोलता है और वो दे हैव इवन कैरीड अवे द मैंगोज यू हैड इन दैट बंडल, जो आपके उस बंडल में जो आम थे वो भी वो लेकर के गए।
तो मैन अपना बंडल उठाता है तो देखता है कि अब वो पहले से कितना हल्का हो गया था। तो बड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, हैड आई नोन दैट देयर वुड बी माइस ऑन दिस ट्रेन, कि मुझे पता था कि इसमें चूहे होंगे, आई वुड हैव गॉट ए लार्जर स्टॉक ऑफ फूड, मैं खाने के लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ, आई डजेंट मैटर नाउ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो लड़के बहुत निराश हो जाते हैं। अब तीसरा लड़का बोलता है, जैक्सन नाउ वर्धमान देयर विल बी एन आवर्स हॉल्ट एंड वी हैव टू चेंज अवर ट्रेन, कि वर्धमान में अब हमें 1 घंटे का ट्रेन रुकेगी, हमें वहां से ट्रेन बदलनी होगी। तो ऑलरेडी व्यक्ति कहता है, यस हमें भी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, अब मैं को एक सेपरेट कोच में सीट ले लूंगा, मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो बॉयज सब एक साथ बोलते हैं, नो 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 यू मस्ट कम अलोंग विद अस, नहीं, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे बंडल और बर्तनों की रक्षा करूंगा। फिर जैक्सन उसे विश्वास दिलाता है कि वहां पर चूहे तुम्हारा खाना नहीं ले जाएंगे, द फूड दैट इज लेफ्ट, जो कुछ भी बचा है। तो लड़के और वो जो एल्डर मैन है वो सब ट्रेन से उतर जाते हैं। फिर दूसरा सीन होता है, इसमें लड़के और बड़ा व्यक्ति सब क्या होते हैं, एक सीट में बैठ जाते हैं और वेंडर आता है खिड़की के पास से गुजरता है। तो आदमी जो है बच्चों के लिए मिठाइयों के पैकेट खरीदता है, लड़के वो पैकेट खुशी खुशी ले लेते हैं और आदमी की बहुत ही प्रेस करते हैं। तो लड़के कहते हैं, वाह कितना मजा आ रहा है। तो एक आम बेचने वाला खिड़की के पास आता है और आदमी उनसे लड़कों के लिए बहुत सारे आम लेते हैं एंड हैंड्स ओवर द पैकेट टू देम, और उनको वो आम के पैकेट दे देते हैं। तो एल्डर व्यक्ति बोलता है, द माइस वॉन्ट गो हंग्री नाउ, अब चूहे भूखे नहीं होंगे। तो लड़के हंसने लगते हैं। तो जैक्सन बोलता है, लुकिंग क्यूरियसली एट द एल्डरली मैन, बहुत ही उत्सुकता से उस बड़े आदमी की तरफ देखता है, बोलता है कि हमें बताओ वेयर आर यू गोइंग। तो एल्डर व्यक्ति कहता है, मैं टीचर और मैं एक नई जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो तीसरा लड़का बोलता है, व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। तो व्यक्ति बोलता है, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो लड़के बहुत एक्साइटेडली तालियां बजाने लगते हैं। चौथा व्यक्ति कहता है, तो आप हमारे साथ हमारे स्कूल चलो, हमें भी एक संस्कृत टीचर की जरूरत है। तो जैक्सन फिर बोलता है, वी विल नॉट लेट, हम आपको ऐसे नहीं करेंगे। तो एल्डर मैन बोलता है, ओ बट योर हेडमास्टर मे नॉट विश टू गिव मी दिस जॉब, तुम्हारा हेडमास्टर हो सकता है जो मुझे जॉब ना देना चाहे, लेकिन लड़के बोलते हैं ही बेटर गिव यू दिस जॉब। तो जैक्सन कहता है कि और एल्स वी विल ऑल लीव दिस स्कूल, अगर उन्होंने तुम्हें जॉब नहीं दी तो हम स्कूल छोड़ देंगे सबके साथ। तो एल्डर व्यक्ति कहते हैं, ठीक है यदि आप लोग जीत करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लुक वी हैव रीच्ड, और देखो हम पहुंच ही गए। और जैक्सन फिर खिड़की के बाहर निकल झांकते हुए बोलता है कि ये हमारे स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी प्लेटफॉर्म पर क्यों आए हैं। तो पहला लड़का बोलता है, इज प्रोबेबली कम टू रिसीव, शायद वो हमें रिसीव करने के लिए आए होंगे। तो लड़का और एल्डर व्यक्ति अपनी ट्रेन से उतरते हैं और लड़के जो है ट्रेन के से उतर के उस बड़े व्यक्ति के साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। तो बाद में वो देखते हैं कि वो रिस्पेक्टेबल मैन जो है वो सेक्रेटरी उसको रिसीव करते हैं। तो सेक्रेटरी उसको बोलते हैं, वेलकम सर, वेलकम मास्टर नाथ, और हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। अब सेक्रेटरी जो है वो उस बड़े व्यक्ति के पैर छूते हैं। अब लड़का जो है अपने नए टीचर को बहुत ही सरप्राइज के साथ देखते हैं और एल्डर व्यक्ति उन पर मुस्कुराता है और उनकी सेक्रेटरी को कंधे को थपथपाता है। तो बच्चों ये नाटक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और इससे क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी शुड हेल्प एंड रिस्पेक्ट एल्डर पीपल, कि हमें हमेशा बड़े लोगों की मदद करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू।